एनएसए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन में, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन के लिए शनिवार को संपन्न हुए चुनाव, देर रात तक नतीजे आने की संभावना। सभी यूनियन के प्रतिनिधियों ने किए अपने अपने जीत के दावे। बीएसपी यूनियन चुनाव के लिए मतदान केंद्रों में रही चाक चौबंद व्यवस्था, पुलिस और सीआईएसएफ के जवान रहे तैनात, कोविड नियमों का किया गया पूरी तरीके से पालन। और दुर्ग कलेक्टर ने आयुक्त, एसडीएम व एडिशनल एसपी के साथ लिया बाजार क्षेत्र का जायजा, व्यवस्थाओं को बनाए रखने दिए दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधि यूनियन के लिए चुनाव शनिवार 30 जुलाई को संपन्न हुए। मतदान के लिए कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मतदान केंद्रों में पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए थे। बहुप्रतीक्षित भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रतिनिधि यूनियन के लिए चुनाव शनिवार को सम्पन्न हुए। मतदान के लिए सेक्टर 2 स्थित मतदान केंद्र में व्यापक रूप से व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्र के बाहर सभी श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा अपना अपना पंडाल लगाया गया था, जहां मतदान करने आ रहे बीएसपी के कर्मचारियों को जानकारियां दी जा रही थी। वहीं मतदान केंद्र के अंदर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने व्यवस्था संभाल रखी हुई थी। मतदान करने आ रहे सभी कर्मचारियों के आईडी चेक करने के उपरांत ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया जा रहा था। मतदान केंद्र में कोविड नियमों का पालन भी कर्मचारियों से कराया जा रहा था। हाथों को सैनिटाइजर से धुलवाने, मास्क लगाने के उपरांत ही मतदान केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा था। मतदान के लिए आ रहे कई कर्मचारी अपना नाम भी ढूंढते नजर आए। बहरहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सभी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। बीएसपी के पूर्व प्रतिनिधि यूनियन सीटू ने शनिवार को संपन्न हुए चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। सीटू के संगठन सचिव डीवीएस रेड्डी ने बताया कि सीटू द्वारा लगातार कर्मचारी हित में कार्य किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की अनेकों समस्याओं का समाधान हो चुका है। आइए देखते हैं डीवीएस रेड्डी से ग्रैंड एशियन न्यूज की हुई बातचीत के खास अंश। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू द्वारा बीएसपी के आज होने जा रहे चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई जा रही है। इसके पूर्व भी, इस कार्यकाल के पूर्व सीटू द्वारा ही बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन का कार्य किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं सीटू के संगठन सचिव डीवीएस रेड्डी जी। आइए हम उनसे जानते हैं उनका क्या एजेंडा है, क्या उन्हें लगता है इस बार वापसी फिर से एक बार सीटू की बीएसपी में हो सकती है। सर, आपका प्रमुख एजेंडा क्या है, इसका आपको इस बार लगता है कि फिर से एक बार सीटू की बीएसपी होगी? निश्चित रूप से सीआईटीयू ये आशा के साथ में चुनाव लड़ रहा है कि इस बार प्रतिनिधि यूनियन के रूप में कर्मचारी यहाँ के चुनेंगे और हम लोग जीत के आएंगे। वो इसीलिए भी कि सीआईटीयू कभी भी वादे नहीं करता, वो अपने मजबूत इरादे के लिए जाना जाता है। जब पहले कार्यकाल में हमने काम करना शुरू किया तो उन सारे कामों को अंजाम दिया जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था को ही सड़ा गला के रख दिए थे। यहाँ पर हर चीज़ में दलाली चलती थी, सीपीएफ निकालने के लिए दलाली होती थी, यदि आपका हॉस्पिटल से कहीं रेफरल होना पड़ता था तो दलाली होती थी, क्लास वन के एडमिशन तक के दलाली होती थी, आपका टाउनशिप में मकान आवंटन के लिए दलाली होती थी। लेकिन सीआईटी के कार्यकाल में ये सारे चीज़ों के ऊपर में काबू पा लिया गया। दूसरे कार्यकाल में भी हमने बहुत बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया। 3 दिन का एचपीएल जो सेल्फ कॉम्पिटिशन से होता था, ये सेल के पूरे किसी भी यूनिट में आज तक के नहीं था, जिसको हमने भिलाई में चालू करवाया। वहीं पर 2 सीएल के बीच में यदि हमारा वीकली ऑफ पड़ता था तो 3 छुट्टियां भरनी पड़ती थी, उसको हमने चेंज करवाया। इस तरीके से सेकंड कार्यकाल में कई सारे कार्यों को हमने अंजाम दिया, प्रशिक्षण काल को जुड़वाया, डेंगू के समय में हमने काम किया, ब्लड बैंक जब बंद हुआ था तो वे और सीआईटीयू ने संयुक्त रूप से ब्लड बैंक को खुलवाने के लिए 1 महीने तक के जो अभियान किया है, यहाँ के लोगों की कर्मियों के दिलों में वो बसा हुआ है। सुरक्षा के मामले में हमारे काम बहुत तेजी से होते थे, कोई छोटी सी घटना हो, दुर्घटना हो या बड़ी घटना हो, हम तुरंत उन जगह पे पहुँच जाते थे
और उसको सार्वजनिक इसलिए करते थे कि ताकि ये घटना दोबारा ना हो। ये CITU के कार्यकालों की देन है जिसको जनता ने कभी नहीं भूला। पिछले बार हम लोग इसलिए नहीं आ पाए थे कि जनता के बीच में, कर्मियों के बीच में एक बात थी कि एक बार फिर से बदल के देखते हैं। जब 6 साल बीत जाते हैं तो लोगों के अंदर में एक छोटा सा बदलाव का बात आता है, बस उतनी सी बात थी। फिर से जनता ने ठान लिया है यहाँ के कर्मियों ने कि इस बार फिर से CITU को वापस लेके आएंगे। क्योंकि लगातार आप लोगों के द्वारा BSP के विभिन्न विभागों में दौरा किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा था, तो किस तरह का प्रतिसाद देखने को मिल रहा है जन इस बार BSP कर्मचारियों का क्या इच्छा सामने देखी जा रही है? देखिए, BSP का जहाँ तक के कर्मियों का इच्छा है, निश्चित रूप से केंद्रीय स्तर पर कुछ मांगों का हल नहीं निकला है। जैसे हमारा 39 महीने का एरियर्स का बकाया आना है, ग्रेजुटी को सीलिंग कर दिया गया है। इसके साथ में सेंट्रल के द्वारा जो हमले हो रहे हैं वह बहुत तीखे हो गए हैं। इन सारे के खिलाफ में तो हमको लड़ना है, ये तो हर हालत में इस लड़ाई को लड़ा ही जाएगा। और कर्मियों को ये मालूम है कि CITU वो संगठन है जो वादे नहीं करता, बहुत मजबूत इरादों के साथ उतरता है और जब भी जो चीज़ बोल देता है उसको अंजाम तक पहुँचते तक के वो संघर्षों में उतरता है। और CITU का एक खास बात यह है कि वो ये नहीं बोलता कि हम कर देंगे, वो अक्सर ये बोलता है कि हम सबको मिल के करना होगा। ये चुनाव का मतलब यह है कि कर्मी अपने लिए एक यूनियन चुन रहे हैं, जब वो अपने लिए यूनियन चुनेंगे तो यूनियन जो कॉल देती है उसमें कर्मचारी उतरते हैं, उस लड़ाइयों को लड़ते हैं। आने वाले दिनों में ये लड़ाइयों को लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा। क्योंकि अगर प्लांट के बाहर की बात की जाए तो टाउनशिप क्षेत्र में कई सारी ऐसी समस्याएँ, मूलभूत समस्याएँ हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता। जैसे जो संयंत्र के कर्मचारी हैं जो उन्हें आवास तक आवंटित नहीं है, अधिकांश आवासों में कब्जे, हालांकि इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, आवासों खाली करने बावजूद पुनः कब्जे हो जाते हैं। निश्चित रूप से आवास की एक बहुत बड़ी समस्या है। CITU के अपने कार्यकाल में 750 स्क्वायर फीट का आवास के पुनर्निर्माण यानी अच्छे आवासों को बनाने के संदर्भ में कार्य को प्रारंभ किया गया था। इसका प्लान भी अप्रूवल होकर पड़ा है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। इस चीज़ को अंजाम देना है, CITU आएगी तो इस चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करेगी। हाँ, सबस्टैंडर्ड मकानों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 36,000 मकान थे लेकिन 65,000 कर्मचारी थे। छोटे मकानों को भी आवंटन कराने के लिए बहुत मारामारी होती थी, लेकिन आज के तारीख में ऐसा है कि यहाँ 13,000 वोटर हैं तो 13,000 से ज़्यादा मकानों की हमको आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए 3,500-4,000 मकान ही चाहिए। 13,000 में भी लगभग आधे के आसपास कर्मचारी अपने खुद के मकानों से आते हैं, तो हमारे पास 10,000 से 12,000 मकान यदि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर तरीके से हो जाए तो बेहतर है। और बेहतर मकाने हैं जिसको खाली कराने की जिम्मेदारी, यहाँ कई सारे अड़चनें आती हैं, ये आज की अड़चन नहीं है, ये बहुत पुरानी अड़चन है और सिस्टम का सड़ा हुआ सिस्टम का देन है। ये कब्जेधारियों के खिलाफ में जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे राजनेता भी बीच में आ जाते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी आ जाता है, तो ये सारे चीज़ों को झेलते हुए उन सारे लोगों को बातचीत करते हुए इस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। और बार बार उनसे विनती भी करते हैं कि आपको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा क्योंकि हम सब आप ही को वोट दे के जिताए हैं, चाहे पूर्व के मंत्री हों, अभी के मंत्री हों या भिलाई के यूनियन हों, इन सबको मिल के वो लड़ाई को अंजाम देना पड़ेगा, तभी जाके ये कब्जेदारियों से हमको मुक्ति मिलेगी। अन्यथा टाउनशिप का जो हालत है वो 10 से 72 होने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ये लड़ाई को हम लोग जब भी आते हैं, हम लोग लड़ते हैं, पिछले बार भी लड़ते थे, कहीं कब्जा मुक्ति का आंदोलन होता था तो हम जाके बकायदा यूनियन की तरफ से खड़े भी हो जाया करते थे। ये थे हमारे साथ CITU के संगठन सचिव DVS रेड्डी जी, जिनका दावा है कि इस बार जो हो रहे चुनाव में निश्चित रूप से CITU यूनियन नेतृत्व करेगी, कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान भी CITU द्वारा लगातार कर्मचारी हित में काम किया जाता रहा है और कार्यकाल में नहीं होने के पश्चात भी CITU द्वारा कर्मचारी हित में लगातार लड़ाई लड़ी जाती रही है, तो आने तो देखने वाली बात यह होगी कि CITU को अपने संघर्ष का कितना लाभ मिल पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। भिलाई वर्कर्स यूनियन द्वारा BSP के यूनियन चुनाव को लेकर काफी लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही थी। BWU 4 बार चुनाव में शामिल हो चुकी है। BWU के पदाधिकारी सुभाष महाराणा ने इस बार यूनियन चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है और कहा है कि सभी विभागों के कर्मचारियों से यूनियन को समर्थन प्राप्त हो रहा है। सुभाष महाराणा ने ग्रैंड एशिया न्यूज से खास बातचीत भी की। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिष्ठित यूनियन चुनाव में भिलाई वर्कर्स यूनियन द्वारा भी इस बार
पूर्व की तरह पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। यूनियन द्वारा इसके चुनाव लड़ने काफ़ी पूर्व से ही व्यापक पैमाने पर तैयारियां कर ली गई थी। हमारे साथ मौजूद है भिलाई वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि सुभाष महाराणा जी, बीएसपी वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि सुभाष महाराणा जी। आइए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं किस तरह के एजेंडे हैं, क्या लगता है इस बार भिलाई इस्पात संयंत्र में उन्हीं की सरकार लगी। महाराणा जी, सबसे पहला सवाल ये रहा कि क्योंकि आप लोगों द्वारा बीएसपी के सभी विभागों में लगातार जनसंपर्क किया गया, सभी कर्मचारियों के समक्ष अपने एजेंडों को रखा गया, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव क्या देखें? देखिए, इस बार मैं सुभाष चंद्र महाराणा आप सभी का धन्यवाद पहले बात तो देना चाहूँगा। और ये हम मैं सुभाष चंद्र महाराणा BW यानी बीएसपी वर्कर्स यूनियन से हूँ, DGS की पोस्ट पे। इस बार का जो माहौल आप देख रहे होंगे, चारों केवल बदलाव की माहौल है, परिवर्तन की लहर है। इस बार का जो वेज रिविजन हुआ है, सारे कर्मियों में बिल्कुल असंतोष की लहर है। असंतोष की लहर तो रहती है, हर समय रहती है, क्योंकि सभी के अपने अपने इच्छाएँ रहती हैं, अपने अपने जो चाहत रहती है कि मेरा वेज रिविजन इस प्रकार का हो। लेकिन इस बार का वेज रिविजन अभी तक के वेज रिविजन में सबसे हम जो कह सकते हैं गंदा या मतलब कलंक साबित हो रहा हमारे लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार के वेज रिविजन में सबसे जो चोट पहुँची है हमारे कार्मिकों के ऊपर, वो है ग्रेजुटी को लेकर। इन्होंने जो हम NJCS यूनियन है, जो पांच NJCS यूनियन में जो पांच NJCS यूनियन है, पांच यूनियन जो बैठती है, उन्होंने जो ग्रेजुटी सीलिंग करा के सीधे सीधे कर्मियों के जेब पे, उनके पैसे में, उनकी मेहनत पे लात मारा है। अभी तक ये होता है कि आप चलिए सुविधा नहीं दे पा रहे, कुछ भी सुविधा नहीं दे पा रहे, उसी या 19-20 होती है, लेकिन इस बार के आप सीधा उनके जेब से, उनके आर्थिक रूप से उनको विकलांग या उनको पीछे छोड़ दिया है। जब एक कर्मी रिटायर होता है तो उसकी एक जमा पूंजी ग्रेजुटी के रूप में लास्ट बेसिक DSA कैलकुलेशन होता है, लेकिन इस बार उन्होंने सीलिंग कराने के पश्चात औसतन एक एक कर्मी का कम से कम 5 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर यदि चुनाव में BSP वर्कर्स यूनियन जीत करके आती तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता कर्मचारी हित में क्या होगी? हमारी अगर BW यदि आती है तो निश्चित तौर पर हमारे प्राथमिकता रहेगी जो ग्रेजुटी पर जो सीलिंग हुई है उसको संवैधानिक तौर पर कैसे वापस लाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। उसके बाद दूसरा जो एजेंडा है हमारा, वेज रिविजन 2017 से लंबित है और हमारा जो एरियर्स है अभी भी 39 महीने का एरियर्स हमें नहीं दिया गया है। उस 39 महीने के एरियर्स के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा संघर्ष रंग लाएगा। ये तो हमारा बेसिक मुद्दा है। इसके बाद जो लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं, जैसे HRA हो गए, इंसेंटिव का रीज़न होना है, बेसिक समस्या हमारा टाउनशिप में, हमारा जो कार्मिक है मेहनत करता है, भिलाई स्टील प्लांट नंबर 1 का स्टील प्लांट है, उनके रहने की सुविधा नहीं है, बेसिक मूलभूत समस्या में हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल चिकित्सा सुविधा उसको उपलब्ध नहीं है, ना न्यूरोलॉजिस्ट है ना कार्डियोलॉजिस्ट है, बात बात पर उनको रिफ़र करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मतलब दुखदायी चीज़ है। एक मेहनत, इतना बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट और उसमें बेसिक मूलभूत सुविधाएँ ना हो। आपको मालूम होगा कि एक साल पहले गंदा पानी पीने पर पूरे शहरवासी, भिलाईवासी के भिलाई कार्य गंदा पानी पी रहे थे। इस तरह का माहौल पैदा ना हो और भिलाई के कर्मियों को सुविधा मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि 79 हॉस्पिटल जो मुख्य चिकित्सालय है वहाँ पर स्टाफ की कमी, प्लस इसके पूर्व जो गंदा पानी की समस्या आपने बताई जिससे काफ़ी लोग प्रभावित भी हुए थे, तो इसके लिए आप लोगों द्वारा किस तरह का संघर्ष किया गया? क्योंकि अभी तो आप लोग हालांकि किसी पद में नहीं है, BSP में अधिकृत यूनियन नहीं है, लेकिन आने के बाद स्टाफ को लेकर के और भी छात्रों की समस्याएं, कर्मचारियों की कई सारी समस्याएं, NJCS से जुड़ी समस्याएं जो वर्षों से लंबित है, उसके निराकरण के लिए किस तरह की प्राथमिकता? देखिए, BW हमेशा संघर्ष करता है अपने कर्मियों के लिए और करता रहेगा। जैसे कि पानी की समस्या थी, पानी की समस्या को लेकर BW ने बहुत संघर्ष किया है। हमारे टाउनशिप में विभाग से, हमारे जनरल मैनेजर से मिलकर इस समस्या को प्रमुख रूप से रखा है। कंटिन्यू लगातार संघर्ष करते हुए, लगातार ज्ञापन देते हुए, जन जागरण जगाते हुए हमने इस मतलब समस्या को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया। अभी भी मेन जो इनकी समस्या जो है, पाइपलाइन की जो समस्या आ रही थी, वो जगह जगह इनको फाइंड आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन मुख्यतः जो बरसों से जो पुरानी पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन सड़ गई थी जिसके कारण लीकेज हो रही थी और उसके कारण गंदा पानी आ रहा था। हमने संघर्ष करके, हमने जन जागरण करके, हमने मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बना के, हमने कर्मियों के हित में बात करते हुए उस पाइपलाइन को सुधारने का रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया प्रबंधन से, और इसी का परिणाम है कि वर्तमान में
लगभग 90% हमारा जो घरों है उनमें साफ पानी आना चालू है। क्योंकि कर्मचारियों से भी हमारी चर्चा हुई तो उनका कई कर्मचारियों को यही कहना कि सभी यूनियन जो सीटू हो गया, इंटक हो गया, अपनी यूनियन है, इनके द्वारा तमाम तरह के वादे किए जाते हैं चुनाव के, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात इस समस्याएं दस के तस रहती है, उसके निराकरण के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता और जो अपनी समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों की मूल समस्याएं उसको आगे पर टाल दिया जाता है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और यही क्वेश्चन के पीछे आप समझिए मानसिकता वर्करों की, इसीलिए वो नाराज है ना NJCS से। करीब 50 वर्षों से NJCS हमारे कार्मिकों का भविष्य तय करता है, उनका पे रिविजन तय करता है, लेकिन मूलभूत जहां समस्याओं को लेके आपने देखा होगा, जब सीटू का पहले कार्यकाल में करीब छः साल मान्यता में रही थी, उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जो दूसरे यूनियन है उन्होंने मूलभूत समस्या को उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और केवल NJCS का उनके ऊपर बैनर ब्रांड नेम लगा हुआ है, जिस प्रकार कहते हैं वो ब्रांड नेम का उन्होंने दुरुपयोग किया है, जिसका परिणाम ये हुआ इस बार के चुनाव में कार्मिक बिल्कुल NJCS का बहिष्कार करेंगे और एक नॉन NJCS से हमारा, हमने BAW हमेशा नॉन NJCS का सहमति देता है, उनको अलग हटाने की बात करता है, भंग करने की बात करता है या पुनर्गठन करने की बात करता है, इसीलिए क्योंकि NJCS में रहते हुए भी आपने मूलभूत समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। ठेका श्रमिकों के लिए किस तरह की पहल की जाएगी? ठेका श्रमिकों को देखिए, ये मुद्दा हमारा पहले भी था और रहेगा भी, लेकिन हम उसको धीरे धीरे, ये बहुत जटिल मुद्दा है, ठेका श्रमिकों का जो मुद्दा है बहुत जटिल मुद्दा है, लेकिन हम उसके प्रति संज्ञान ले रहे हैं और लेते हुए हमारा आने वाला जो BAW यूनियन है उनके प्रति निश्चित तौर पर जवाबदारी तय करेगा। ये थे हमारे साथ BSP वर्कर्स यूनियन के सुभाष महाराणा जी, जिन्होंने अपनी एजेंडे को हमें बताया और यही साथ ही यह भी जानकारी दी कि कर्मचारी हित में BSP वर्कर्स यूनियन द्वारा लगातार संघर्ष किया जाएगा। हालांकि इसके पूर्व भी, जैसा कि इनका कहना है कि लगातार श्रमिक हित में समस्याएं उठाकर प्रबंधन तक पहुंचाई जाती, उसके निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा। आने वाले समय में यदि इनकी यूनियन बनती है, BSP वर्कर्स यूनियन अधिकृत यूनियन बनती है BSP की, तो निश्चित रूप से ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कि जैसा कि इनका सुभाष महाराणा जी का कहना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। वहीं BSP के वर्तमान प्रतिनिधि यूनियन इंटक ने इस बार के चुनाव में भी अपनी जीत का दावा किया है। इंटक के पदाधिकारी SK बघेल ने ग्रैंड एशियन न्यूज को बताया कि संगठन वर्षों से कर्मचारी हित में संघर्षरत रहा है, कर्मचारियों की समस्याओं को उच्च प्रबंधन तक पहुंचाकर लगातार उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसका लाभ इस बार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। 12:15 बज रहे मतदाताओं का, कर्मचारियों का आना सेक्टर 2 के इस मतदान कक्ष में लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद है इंटक यूनियन के महासचिव SK बघेल जी, जिनकी वर्तमान सरकार कहा जाए वर्तमान यूनियन अधिकृत यूनियन BSP में कार्यरत है। बघेल जी से हम आइए जानते हैं कि अभी इस बार क्या अपेक्षाएँ, इस बार क्या आश्वासन उनके द्वारा यहाँ के BSP कर्मचारियों को दिया गया, इनकी क्या कार्य योजना है, इसके पूर्व कर्मचारी हित में किस तरह का कार्य किया गया। बघेल जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है, इस बार इंटक फिर से अपना दोहरा सकती है? मुझे विश्वास है कि इंटक जो है अभी प्रतिनिधि यूनियन का दर्जा जो है 50% से ऊपर मत हासिल करेगा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो हमें कर्मचारियों ने मौका दिया था उसमें हमने 40 बिंदुओं पे जो काम किया है उनको लोगों के बीच में हमने दिखाया है और आने वाले भविष्य में हमारी 20 पॉइंट ऐसे हैं जो सभी कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हम करेंगे, ये आश्वस्त उनको करते आ रहे हैं। क्योंकि कर्मचारियों की कई समस्याएं यहाँ वर्षों से लंबित रही हैं जी, और लगातार केवल आश्वासन मिलता रहा है कर्मचारियों, और BSP एरिया प्लांट एरिया के अलावा छोड़ भी दिया जाए तो टाउनशिप क्षेत्र में भी काफ़ी समस्याएं हैं जिससे कर्मचारी परेशान हैं, तो इसके निराकरण के लिए किस तरह की आप लोगों के द्वारा कार्य योजना तैयार है? अभी हम भविष्य में जो है हमारे जो है पहला तो ये है कि हमारे जो टार फिल्टिंग का समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसको हमने अपने इसमें भविष्य की योजनाओं में बोले हैं कि विगत 2 वर्ष में सारे टार फिल्टिंग की जो समस्याएं पूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे, और दूसरा है हमारे जो रिटायर्ड हो रहे हैं कर्मचारी जिनको अभी 400 स्क्वायर फीट तक लाइसेंस में उपलब्ध करवाए हैं और खाली क्वार्टर हमारे बहुत सारे टाउनशिप में हैं, तो उनको भी हमारे इतने 35-40 साल जो सेवा दिए हैं संयंत्र में उनको जो है पहला अधिकार है कि उनका अगर किसी कारणवश अपना आशय नहीं बना पाए हैं
तो इस लिए हमको उनको पहला अधिकार देना है कि अगर हमारे पास उपलब्ध है, क्वार्टर खाली है, तो उनको लाइसेंस पे दिया जाए। तो 650 स्क्वायर फीट का तक का हम लोग लाइसेंस पे उपलब्ध करवाने का स्कीम बनाए। क्योंकि आपने बताया कि जैसे कि जो पूर्व कर्मचारियों को इनके पास आवास नहीं, उन्हें आवास देने की बात जी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में ज़्यादातर आवास कहा जाए तो अवैध कब्जेदारियों के कब्जे में, हालांकि इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, अवैध कब्जेदारियों को हटाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई होने के कुछ दिनों पश्चात ही पुनः अवैध कब्जेदारी उसी मकानों पर आकर ताला तोड़ के, अवैध रूप से ताला तोड़ के फिर से काबिज हो रहे हैं। ये अवैध कब्जाधारी है चाहे कोई भी हो, उसको अवैध को हम कभी समर्थन नहीं करते। हमारा इंटर यूनियन का पूर्ण इन्फोर्समेंट जो टीम काम कर रही है उसका पूरा बहुत सराहनीय है और उसमें हम हमेशा साथ में रहेंगे, क्योंकि जिनका अधिकार है उनको अधिकार दिलाने के लिए ही हम ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या क्या होती है इंटर यूनियन प्रतिनिधि जी? तो हमारा सबसे जो है स्थानीय स्तर पर जो लोकल एग्रीमेंट होता है वो प्रतिनिधि यूनियन नहीं होने की वजह से जो शेष रह गया, जैसे मंथली इंसेंटिव स्कीम 2007 का है उसको रिवाइज करना है, डेली रिवार्ड स्कीम 2014 अक्टूबर से बंद है उसको चालू करवाना है, ताकि हमारा पे पॉकेट जो है बढ़े और लोगों को जो है मोटिवेशन, जैसे अभी हमने एक जो है सार्वजनिक रूप से नॉन फाइनेंशियल अवार्ड जो हम लोगों ने सभी लोगों को, सभी कर्मचारियों को दिलवाए हैं, ये हम लोग का चल रहा आगे दिशा में काम कर रहा है। अभी चुनाव के पूर्व से लगातार आप लोगों द्वारा सभी विभागों में जाकर के कर्मचारियों से समर्थन मांगा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है इंटर पक्ष के पक्ष में मतदान करने के लिए, ये किस तरह का प्रतिसाद देखने को? हम जो सभी हमारे कर्मचारी भाई बहनों से जो मिल रहा है उन्होंने बिल्कुल अप्रिसिएट किया है कि आपने कोरोना पीरियड होते हुए भी इन 40 बिंदुओं में काम किया है, उसका हमको आज जो है उसका प्रतिफल आज मिलने का हमको पूर्ण विश्वास है और पूर्ण बहुमत से ही हम विजय होंगे, ये हमको आत्मविश्वास हमारा है। सर बघेल जी, अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूँकि सेक्टर 9 अस्पताल सबसे बड़ा चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सालय है, लेकिन उसमें स्टाफ की कमी के कारण जो मरीज बीएसपी के एडमिट होते हैं चाहे बाहरी, उन्हें मतलब एक प्रकार से सेक्टर 9 हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया, तो वहाँ चिकित्सकों की उपलब्धता जो चूँकि काफ़ी कम है, हालांकि चिकित्सक हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफ़ी कमी, जिसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है, तो सेक्टर 9 चिकित्सालय अपने पूर्व के रूप में है, सभी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे, मरीजों को इसका लाभ मिले, इसके लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा? इसके लिए हम लोग जो है सेक्टर 9 को सर्व सुविधायुक्त यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए उनका अलग से वेतनमान देने की बात सेल स्तर पर लागू हुई है, और हम चाह रहे हैं कि सेक्टर 9 की तरह ही हमारा जो सेक्टर 1 जिसको हमने कहा जो हमारा मुख्य सेंटर है उसको भी हम लोग चाह रहे हैं, हमारे वर्तमान योजना में ये है कि सेक्टर 1 को भी सेक्टर 9 की भांति पूर्ण सुविधायुक्त मेडिकल सुविधा से परिपूर्ण रहे, यही हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। ये थे हमारे साथ इंटक यूनियन के महासचिव एस के बघेल जी, जिनका कहना है कि इस बार भी बीएसपी में प्रतिनिधि यूनियन के रूप में इंटक को ही देखा जाएगा। इंटक को लगातार बीएसपी के कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है, अपने द्वारा कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य भी इनके द्वारा बताए गए और आगामी क्या कार्य योजना है ये भी इनके द्वारा बताए गए। हालांकि मुख्य जो अभी सबसे बड़े कई कुछ कर्मचारियों से हमारी चर्चा हुई, जिनका कहना है सेक्टर 9 अस्पताल में जो चिकित्सकों की कमी है उसे लेकर, तो इनका कहना है, बघेल जी का कहना है कि इसके लिए भी उच्च स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में बीएसपी के कर्मचारियों को, उनके परिजनों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब चूंकि ये मतगणना का दौर जारी है, कुछ शाम को नतीजे होंगे, अब देखने वाली बात ये होती है कि बीएसपी का प्रतिनिधि तो कौन सी यूनियन करती है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। वहीं दूसरी ओर बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन के चुनाव को लेकर बीएमएस ने अपनी जीत का दावा किया है। बीएमएस के प्रतिनिधि ने बताया कि यूनियन हमेशा से कर्मचारी हित में संघर्षरत रही है, जिसका लाभ उन्हें इस चुनाव में अवश्य मिलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की अधिकृत यूनियन के लिए संपन्न होने जा रहे चुनाव में इस बार बीएमएस भी पूरी तैयारियों के साथ उतरा है। बीएमएस के जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारियों द्वारा लगातार प्लांट के विभिन्न विभागों में जाकर कर्मचारियों से संघर्ष किया, कर्मचारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा गया, कर्मचारी हित में लड़ाई करने की बातें कही गई, कर्मचारियों की मांगों को उच्च प्रबंधन तक पहुंचाने, उनके कार्य का निराकरण करने की, जो अब तक रुके हुए कार्य को उनको पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ के एक पदाधिकारी, आइए इनसे चर्चा करते हैं।
ये बताइए, बीएमएस द्वारा इस बार इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा जा रहा है, आप लोगों के यदि आपकी यूनियन बनती है, आपकी सरकार बनती है बीएसपी में, तो पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या होगी? जी ये पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि जो वेज रिविजन में देरी हुई थी, करीब करीब 40 महीने बाद वेज नेगोशिएशन शुरू हुआ, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन में हमारे जितने कर्मचारी थे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उसके लेकर युवा शक्तियों ने यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और 30 तारीख की हड़ताल में भी बहुत ताकत के साथ युवा शक्ति आई थी। उसके कारण उनको क्या है, यूनियन ने जो मान्यता प्राप्त यूनियन थी उनने क्या पैसे डला के दबाव डला के मैनेजमेंट थे उन लोगों को पनिशमेंट करवाया गया था, उसमें से 14 लड़कों को, और उनको बाहर ट्रांसफर किया गया और उनका इंक्रीमेंट भी डाउन किया गया। तो ये बहुत गलत था, एक वर्कर हित में उनको काम करना चाहिए था, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन प्रबंधन परस्ती में काम कर रही थी, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि चौथी बार आप लोगों का चुनाव पार्टिसिपेंट किया जा रहा है, तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी? हालांकि आप लोगों द्वारा लगातार प्लान के भीतर कर्मचारियों से संपर्क भी किया जाता रहा, तो क्या लगता है? हमारी तैयारियां हमारी नीतियों के लिए थी। देखिए वेज रिविजन में कुछ यूनियन ने इस बार बहुमत के आधार पर वेज रिविजन का फैसला हुआ, कुछ यूनियन ने आपस में मिलकर मैनेजमेंट से मिलकर और कुठाराघात किया कर्मचारियों के हितों के ऊपर और बहुत कम पर्क्स में एक समझौता किया, जिससे कि बीएमएस बाहर आ गया था। उसने कहा कि हमको 3515 से कम मंजूर नहीं है, और आज भी हम जो पिछली मीटिंग हुई 19 जुलाई को उसमें भी बीएमएस से ताकत के साथ बोला कि 1535 जो ऑफिसर को दिया गया वही हम वर्कर को दिलाएंगे, और यही हमारी मांग है। इसी को लेकर हम वर्कर्स के बीच में गए और वर्कर से हमको प्रसाद मिल रहा है। क्योंकि बीएसपी के सभी विभागों द्वारा आप लोगों द्वारा काफ़ी लंबे समय से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, आपकी टीमें सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क कर रही हैं, अपनी बातों को उनके समक्ष रखा जा रहा है, तो क्या किस तरह का आपको प्रतिसाद देखने को मिल रहा है कर्मचारियों को? निश्चित रूप से जो कर्मचारियों के मुख्य मुद्दे हैं, ग्रेच्युटी सीलिंग, वेज रिविजन और युवा कर्मचारियों का ट्रांसफर और पनिशमेंट, ये तीन मुख्य मुद्दे उस समय जो छाए हुए हैं भिलाई स्टील प्लांट में वर्कर्स के बीच में, और तीनों मुद्दों की लड़ाई और साथ में पदनाम, जो बहुत लंबे समय से युवा साथी चाह रहे थे कि एक सम्मानजनक पदनाम मिले, और वरिष्ठों को भी यही मांग थी कि हम भी टेक्नीशियन भर्ती होते हैं, टेक्नीशियन में रिटायरमेंट है, हमको भी एक सम्मानजनक पदनाम। तो ये चार मुद्दे मुख्य रूप से बीएमएस इनको पूरी ताकत के साथ हर फोरम पर, यहाँ तक कि एनजीसीएस के फोरम पर भी हम चार मुद्दों को ताकत के साथ उठाते हैं, जबकि जो पूर्व की मान्यता प्राप्त यूनियन थी उन इन मुद्दों पर पीछे और मैनेजमेंट का साथ देती आई हैं और कर्मचारियों के हित के साथ नहीं खड़ी रही, तो इस मामले में हमको अच्छा वो मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि कई बीएसपी कर्मचारी हमारी चर्चा भी हुई, जिनका कहना है कि जितने भी तमाम जो यूनियन है उनके द्वारा चुनाव पूर्व तमाम तरह के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के आने के पश्चात सैन्य प्रबंधन चाहे मिलकर जो सैन्य प्रबंधन की ज़्यादातर बातों को उनके द्वारा सुना जाता है और कर्मचारियों की जो मांगे प्रमुख मांगे रहती है उसकी अनदेखी की जाती, तो इस संबंध में बीएमएस का क्या हमारा ये कहना है कि जो वर्कर की लड़ाई है वर्कर्स ही लड़ सकते हैं। देखा गया है कि ज़्यादातर यूनियन में जो उनके प्रतिनिधि हैं वो एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए वो वर्कर हित की बात नहीं करते हुए जाके एनजीसीएस के फोरम में, लेकिन बीएमएस एकमात्र ऐसा यूनियन है जिसके सारे प्रतिनिधि जो हैं वो एम्प्लॉय हैं और स्टील में एम्प्लॉय हैं, इसलिए वो वर्कर का हित समझते हैं, वर्कर का दुख समझते हैं और वर्कर के दुख के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात, बीएमएस एक विचारधारा वाली यूनियन है, वो निश्चित रूप से जिसके साथ खड़ी होती जो कहती है वो करती है, वो पेटिक रहती है, हम आगे भी करके दिखाएंगे, अगर हमको अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से जितनी भी हमारी कर्मचारियों की मांगे हैं उनके ऊपर हम बहुत सार्थक तरीके से काम करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि यदि अवसर मिलता है तो कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार इनके द्वारा संघर्ष किया जाएगा, उच्च प्रबंधन तक बातें पहुंचाई जाएंगी। हमारे साथ मौजूद है बीएमएस के एक प्रतिनिधि और आईएएफ, उनसे भी चर्चा करते हैं कि किस तरह की उनकी कार्य योजना है। देखिए भाई साहब, ऐसा इस बार चुनाव जो है जिन यूनियन के मध्य में लड़ा जा रहा है तो उसमें आपका प्रश्न जो है उसके हिसाब से उत्तर देना पूरा जायज़ नहीं होगा, क्योंकि संघ मिलाई पर संघ की तरफ से अधिकृत जो भी यहाँ पर यूनियंस हैं उसमें ये प्रश्न सीखा है आप लोग के द्वारा, तो उसका समायोजन ऐसा होगा कि आयत के रूप में बात करूँ तो उसमें मैनेजमेंट का ये रुख है कि मैनेजमेंट तटस्थ भूमिका में है, जो यूनियन अपने कैडर को लेकर चल रही है उसमें बीएमएस का थोड़ा सा जो है प्रभाव ज़्यादा दिखता है, ऐसा आप लोग भी घूमेंगे तो आप लोगों को भी दिखेगा। और बीएमएस चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो इसकी भूमिका इस बार चुनाव में ज़्यादा रहेगी।
क्योंकि अभी वर्धमान में इंटक की यूनियन है यहाँ पे, इसके पूर्व सिटी की रही है, इसके पूर्व लगातार कई वर्षों तक इंटक की यूनियन पे यहाँ पे रही है। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं कहा जाए, वो लंबित वर्षों से लंबित हुई है। उसके लिए लगातार दिल्ली में बैठे होते हैं, NJCS की बैठक होती है, स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा होती है, तमाम तरह के मंत्रियों प्रति सबसे चर्चा होती है, लेकिन मांगे अभी भी जस की तस हैं। तो इसके लिए BMS किस तरह संघर्ष करेगा? इसमें ऐसा है कि इसके पूर्व जो भी ऊपर के NJCS लेवल में जो भी सांसद हुआ करते थे, क्योंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस द्वारा नामित व्यक्ति जो थे वो उस मुद्दों को लेके, और इंटक के तरफ से जो इनके बड़े प्रतिनिधि थे संजीवा रेड्डी जी, चूँकि उनका 75% के आसपास जो बोला जाता है कि उनका पूरा सप्लाई का काम है सेल के माध्यम से होता है, तो वो बहुत जायज़ तरीके से मांग को नहीं उठाते थे। चूँकि BMS अब इन चीज़ों को लेकर मैदान पर है, और BMS चूँकि जो बोलती है वो करती है ऐसा माना जाता है, और चूँकि BJP से जुड़ा हुआ संगठन ऐसा मानते हैं और है भी, तो यहाँ पर लड़ाई मुद्दों की है, विचारधारा की है, राष्ट्रवाद की है, तो इन मुद्दों को लेकर इस बार BMS जो है लीड काम कर रहा है। BMS के प्रतिनिधियों का कहना है कि BMS की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। BMS द्वारा कर्मचारियों से जिस तरह की कर्मचारियों की कर्मचारी हित को लेकर लगातार संघर्ष किया जाएगा, इसका इनका कहना है कि इसके पूर्व इनके जो भी यूनियन रही वो लगातार अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करती रही, कर्मचारी हित से इनका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिनिधियों का ये भी कहना कि यदि इनकी सरकार बनती है यूनियन में, अगर ये जीत करके आते, हालांकि दावा तो उनकी तरफ से पूरी तरह से किया जा रहा है, उसके बाद कर्मचारियों का मांगों को प्राथमिकताओं से लेकर के संघर्ष किया जाएगा और कर्मचारी हित के लिए लगातार कार्य किया जाता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। BSP यूनियन चुनाव में मतदान कर लौट रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें ऐसी प्रतिनिधि यूनियन चाहिए जो कर्मचारी हित में कार्यरत रहे, कर्मचारियों का यूनियन के प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क हो, कर्मचारियों के कार्य हो, न कि केवल उन्हें आश्वासन मिले। कुछ कर्मचारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा कर यूनियन चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अधिकृत यूनियन का चुनाव आज शनिवार को संपन्न होने जा रहा है 30 जुलाई को। चूंकि इसके पूर्व यहां पे इंटक यूनियन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व तो किया जा रहा था इसके पूर्व C2 द्वारा, हमारे साथ कुछ BSP के कर्मचारी मौजूद हैं जो अभी मतदान करके आए हैं, आइए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, आप ये बताएंगे, चूँकि आप मतदान करके आ रहे हैं, इसके अभी वर्तमान में इंटक का कार्यकाल चल रहा है BSP में, किस तरह इंटक यूनियन द्वारा BSP कर्मचारियों के लिए संघर्ष किया जाता है, किस तरह की मांगे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार भी इंटक फिर से वापस आएगी? देखिए, हम तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी का मेन लक्ष्य होता है कि अपने कंपनी का विकास करना और उसके प्रति जागरूक रहना, और चुनाव और पार्टी इनका अपनी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जिस पे भरोसा करके पिछले चार साल में जिनको कार्यभार सौंपा गया था उन्होंने अपना कार्य किया, संपूर्ण रूप से नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन बदलाव की एक ज़रूरत तो है और बदलाव से ही कुछ और आगे बढ़ सकता है, ये हम लोग का मानना है और उम्मीद करते हैं अगर बदलाव हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है भविष्य में हम कर्मचारियों के लिए। क्योंकि बातचीत से ये पता चलता है कि जो वर्तमान इंटक यूनियन है अधिकृत BSP की, उनका कार्य ना तो कहा जाए उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है, ना तो सराहनीय रहा और ना ही प्रशंसनीय रहा, क्योंकि इस आधार पर हालांकि इंटक यूनियन के प्रतिनिधियों का दावा, पदाधिकारियों का दावा कि उनके द्वारा लगातार श्रमिक हित में संघर्ष किया जाता रहा, इस मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, विश्वास तो श्रमिक करता है, उस करके उस आयाम में उस कदम पे आगे बढ़ता है, लेकिन निर्णय तो वहाँ है जब उसका ओवरऑल रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट पे जो भी हम लोगों ने देखा तो उतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला, तो अब आगे का देखते हैं, आगे का किसके कंधे पे आती है ये जिम्मेदारी और उसको किस तरीके से निभाता है वो चीज़। क्योंकि वर्तमान में जिसकी भी सरकार यहाँ पर बनती है, चाहे C2 की चाहे इंटक की हो, तो किस तरह की अपेक्षाएं आप रखते हैं कि आने श्रमिक हित में कार्य किया जाए? अपेक्षाएं तो श्रमिक को यही रहता है कि चुनाव श्रमिक यही इसलिए करता है कि उनकी मांगों को, उनकी जायज़ मांगों को किसी प्रतिनिधित्व के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिले प्रबंधन के द्वारा और सेल के प्रमुख से, अगर इस पर ये खरे जो भी बदलाव होगा वो अगर खरे उतरते हैं
वो भी बधाई के पात्र होंगे। क्योंकि लगातार अभी देखा जा रहा है कि कई सारी ऐसी विवादित चीज़ें बीच में आई हैं कि कर्मचारी लगातार कर्मचारियों में लगातार नाराजगी भी देखी जा रही थी कि चूँकि तक प्रबंधन द्वारा काम नहीं किया जा रहा, इस तरह को लेकर के बयानबाजी भी लगातार अखबारों में देखी जा रही थी। तो आप इंटक यूनियन के काम से किस तरह से संतुष्ट है और आपको क्या लगता है और आने वाली सरकार से जो भी यूनियन आती है उससे आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, जैसा कि है कि टिप्पणियों का दौर का क्रम तो खत्म हो गया आज, अब ये टिप्पणियों का दौर कुछ करने का रहा नहीं है। जो भी है, हम लोग अब आने वाला जो कार्यकाल है और जो भी पार्टी रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर कितना भरोसा कर पाए हम कर्मचारी। टिप्पणियाँ अब यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं उस जगह पे टिप्पणियों का दौर तो खत्म हो चुका है। जितनी भी टिप्पणियाँ हो चुकी हैं वो तो पहले से विदित हैं, अब उसके बारे में क्या बताऊँ। क्योंकि हमारे साथ मौजूद इन कर्मचारियों का कहना है कि टिप्पणियों का दौर अब आज 30 जुलाई 2022 को ख़त्म हो चुका है। नई श्रमिक यूनियन यहाँ पे चुनने जा रही, जो शाम तक बीएसपी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगी। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कई अपेक्षाओं में इंटक यूनियन खरी नहीं उतरी है। कुछ हो सकेगा कि बीएसपी में आखिरकार किस यूनियन द्वारा कर्मचारियों का वर्तमान में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम, जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ईसीपी की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखिए, हृदय घात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ईसीपी की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता, हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडी साइंस सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893902 9827609192 7000830604 लैंडलाइन नंबर 07884217657। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहां 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता, पल्स हॉस्पिटल, 2/4 नेहरू नगर, पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884014141, 07883590112, मोबाइल नंबर 9300171767। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-300-777-111, 777-300-777-222। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े खबरों की ओर। दुर्ग जिला कलेक्टर ने निगम आयुक्त के साथ ठगड़ा बांध में चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, साथ ही शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने शुक्रवार को ठगड़ा बांध में सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया, जहां निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने उन्हें निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। निगम आयुक्त ने बताया कि एजेंसी को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने प्रोजेक्ट का मुआयना कर कहा कि ठगड़ा बांध का लोकेशन बहुत शानदार है, इसके बगल में जैव विविधता पार्क है। सुबह और शाम का समय गुजारने के लिए यह बेहद आदर्श स्थल साबित होगा। यहाँ पहुँचने वाले लोगों को यह सुकून का अनुभव कराएगा और वे शाम बिताने बार बार यहाँ आना चाहेंगे। इसके लिए लैंडस्केपिंग बेहद खास रखें। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि किसी भी सरोवर का सबसे खास हिस्सा उसका आइलैंड होता है, अतः इसके लैंडस्केपिंग पर विशेष रूप से ध्यान दें। इस दौरान निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वही नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वेतन काटे जाने के निर्देश से नाराज कर्मचारियों ने अपना आक्रोश जताते हुए रणनीति बनाई। नगर पालिक निगम दुर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शनिवार को निगम मुख्य कार्यालय में एकत्र होकर अपनी मांगे और 5 दिवस के वेतन काटे जाने के हुए निर्देश से आक्रोशित कर्मचारियों ने चर्चा कर रणनीति बनाई और कहा कि राज्य सरकार के अड़ियल रवैया के चलते अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में अधिकारी कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर रहे। साथ ही निगम द्वारा सभी सामूहिक अवकाश की सूचना दिए जाने के बाद भी अब राज्य सरकार 5 दिनों का वेतन काट हमारे आंदोलन को और उग्र बना रही है। इसी कड़ी में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिव शर्मा, महामंत्री अनिल सिंह व दुर्गेश गुप्ता सहित कर्मचारी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक स्वर में बताया कि राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। आगामी दिनों में प्रदेश में सभी 168 निकायों के अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा एक राय एक मत होकर जल्द ही फिर कलमबंद काम बंद का आगाज पूरी तरह से करेगी। इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको विदित होगा कि हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे थे यहाँ पे,
और वो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कर रहे थे और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शासी कर्मचारी महासंघ ने समर्थन दिया था, जिसके तहत 168 नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के कर्मचारी जो हैं वो आंदोलन में शामिल हुए और 5 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हम लोगों ने कलम बंद काम बंद का आंदोलन किया और जिसके तहत कल वो आंदोलन समाप्त हो गया है तिथि चरण का और कल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक होने वाली है जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और उनकी जो आगे की रणनीति होगी और उसमें हमारी छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शासी कर्मचारी महासंघ उसमें एक अपनी बैठक भी करके और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि हम उनको समर्थन करेंगे और उसके बाद में जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो भी अगला कदम होगा उसमें हम सब शामिल होंगे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर। जैसे कि देखने में आए 5 दिनों में आप आम नागरिकों की सुविधाएं बंद करके रखे थे, वहीं आप अधिकारियों के काम में शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए ऐसा है कि मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम होते हैं अति आवश्यक सेवा के तहत उसके तहत कुछ कुछ काम होते हैं, अति आवश्यक सेवा को हमने प्रभावित नहीं किया था, आपको ये विदित होगा। जहाँ तक मेरी सोच है कि 5 दिन का वेतन काटने का अधिकार शायद किसी को नहीं है, अगर बिना सूचना के अगर हड़ताल में जाते तो ये 5 दिन का अवकाश काट सकते थे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बकायदा 1.5-2 महीने पहले से इस आंदोलन की सूचना सरकार को दे चुकी है और 3 चरण में आंदोलन किए हैं। तीसरा चरण का आंदोलन कल समाप्त हुआ है, चौथा चरण का इनका आंदोलन अगस्त माह में सारी सेवाएं बंद करने का है। सहयोग देंगे, अगर उनकी मांग हमको जायज लगती है तो बिल्कुल सहयोग देंगे, क्योंकि आवश्यक सेवा से प्रभावित केवल नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ही ज्यादा होगी। इसमें कुल मिला के 168 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं जहां हमारे महासंघ का बैनर पहले से। राज्य शासन के वेतन काटे जाने के निर्देश को लेकर अब इस आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। देखना होगा कि आने वाले समय में अधिकारी कर्मचारी इस फैसले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सुपेला थाना पुलिस ने नाबालिगों के साथ लेकर चोरी करने वाले आरोपी नंद किशोर चौहान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों रुपए के जेवरातों को बरामद किया है, साथ ही चोरी की रकम से खरीदे गए मोबाइल और पलंग को भी जब्त किया है। अपने नाबालिग बच्चों के साथ चोरी करने वाले सुपेला निवासी आरोपी नंद किशोर चौहान को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरातों को बरामद किया गया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, सीएसपी नासिर सिद्दीकी के मार्गदर्शन में सुपेला पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम, बरामदगी और धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक रिक्शा चालक द्वारा लगातार शराब पार्टी के साथ कीमती मोबाइल और पलंग खरीदा गया है। इस पर पुलिस द्वारा गोपनीय ढंग से जांच करते हुए विधिवत नाबालिगों से पूछताछ करने पर चोरी की घटना का खुलासा हो सका। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने नाबालिगों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये प्रार्थी पवन सेन की रिपोर्ट पर पिछले माह की 28 तारीख को पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था चोरी का। चोरी में हुआ ये था कि उनके जो भीमनगर करके जो जगह है वहाँ पर उनकी घर है, उनका घर है, उस मकान पे अज्ञात चोर के द्वारा देर रात में कुछ अज्ञात चोर घुसकर उनके घर की अलमारी से कुछ सोने चांदी के जेवरात वगैरह चोरी कर लिए थे। चोरी करने के बाद पे लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा था अपराध दर्ज करने के उपरांत पे आसपास में, क्योंकि स्लम एरिया है, फुटेज वगैरह अपने को मिल नहीं पाए थे। फिर भी पुलिस ने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के लिए मुखबिर लगाए हुए थे और मुखबिर से सूचना मिलने पर एक नंद किशोर नाम के आदमी को, जो कि काफ़ी खर्चे कर रहा था, कुछ नए नए सामान ले रहा था, मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के पैसों से ही वो ये सब सामान ले रहा है। ये सूचना पर उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ किए तो पता चला कि इस चोरी के घटना में वो विदेशी संघर्ष बालक सम्मिलित हैं। उन बालकों को परिरुद्ध करके जब पूछताछ किया तो पूछताछ में बालकों ने पूरे घटनाक्रम को स्वीकारते हुए चोरी के जो पूरे माल थे, जो सोना चांदी जेवरात करीब 3.5 लाख रुपए से ऊपर का सामान था, और जो कैश से जो सामान खरीदे थे ये लोग, बैट खरीदे थे और मोबाइल वगैरह खरीदे थे, सारा कुछ पुलिस ने बरामद करके जब्त किया है और 11 सदर की तहत में मान्य प्रस्तुत किया है।
बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, रजनीकांत दीवान, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, विशाल सिंह, कपिल चौधरी, सुरेंद्र पटेल की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। शनिवार की सुबह कोयला लेकर नागपुर की ओर जा रही मालगाड़ी के बोगी से अचानक धुआं उठने लगा। मालगाड़ी की बोगी से धुआं उठते बीएमवाई चरोदा व भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के बीच देखा गया। रेलवे कर्मचारियों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद भिलाई नगर स्टेशन पर मालगाड़ी को रोकने का निर्देश दिया गया। सुबह 9 बजे के आसपास मालगाड़ी के भिलाई नगर स्टेशन पहुंचते ही दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई और लगभग 40 मिनट की मेहनत के बाद आग बुझाकर कोयले को ठंडा किया गया। मालगाड़ी की पूरी तरह से जांच करने के बाद नागपुर की ओर रवाना किया गया। दुर्ग में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने 5 दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल के अंतिम दिन रैली निकाली। आक्रोश जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से चली आ रही छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल के 5वें व अंतिम दिन फेडरेशन के पदाधिकारी व सदस्यों ने दुर्ग के धरना स्थल हिंदी भवन के सामने से भव्य रैली निकाली। यह रैली पटेल चौक होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी भी की और केंद्र के समान डीए व गृह भाड़ा दिए जाने की मांग की। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्यों ने साफ कर दिया कि जल्द ही अगर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर अमल नहीं किया तो वे अगस्त क्रांति की शुरुआत करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर ए नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजी स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, एमजी स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर सारे होमवर्क, इवन एग्जाम प्रिपरेशन सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूजिक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पर कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजी स्कूल न्यू आर ए नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हां, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station for bus stand se matra 500 meters par sthit. Hotel Shiv Prabha Inn and Town King the Family Restaurant. 46 C Market, Apna KC Lodge ke baadu mein. Powerhouse Bhilai. Contact 9893215251 or 8966981590. बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शहर की सुंदरता बनाए रखने दुर्ग कलेक्टर ने निगम आयुक्त एसडीएम व एडिशनल एसपी के साथ बाजार क्षेत्र का जायजा लिया, साथ ही शहर की सुंदरता बिगाड़ने वालों पर प्रतिदिन जुर्माना के साथ सामान जब्त की कार्यवाही किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। शहर की सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने शहर के प्रमुख इंदिरा मार्केट व पार्किंग व्यवस्था सुधारने पैदल घूमकर जायजा लिया। इस अवसर पर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, एसडीएम मुकेश रावटे, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव सहित ट्रैफिक अधिकारी गुरजीत सिंह व दुर्ग थाना टीआई व निगम अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंदिरा मार्केट पार्किंग व्यवस्था और सफाई व्यवस्था को देखा और दिशा निर्देश दिए। साथ ही इंदिरा मार्केट के वाहन पार्किंग ठेकेदार को वाहन पार्किंग में अव्यवस्था न हो इसको लेकर समझाइश भी दी। साथ ही उन्होंने सड़क पर टेंट लगाकर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों को अंतिम समझाइश के साथ दोबारा लगाए जाने पर जुर्माने के साथ सामान जब्ती की कार्रवाई की समझाइश दी। इस दौरान दुकानदार व फल ठेले वालों के द्वारा दुकान का कचरा सड़क पर फेंके जाने पर फटकार लगाते हुए दुकानदार से कचरा उठाकर डस्टबिन में डलवाया। साथ ही दुर्ग कलेक्टर ने आमजनों के बीच पहुंचकर कहा कि शहर हम सभी का है और हमें ही इसे स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हथखोज स्थित ट्रांसपोर्ट नगर से ट्रेलर चोरी की शिकायत के बाद एंटी क्राइम व साइबर यूनिट की टीम ने पुरानी भिलाई पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आदतन अपराधी हरेराम मांझी, जो अपने साथियों के साथ मिलकर हथखोज में सिंह रोड लाइन्स के सामने खड़े ट्रेलर को क्रेन की सहायता से चोरी कर ट्रेलर की ट्रॉली को इंडस्ट्रीज एरिया और इंजन को बापू नगर तीन तालाब के पास खड़ा किया था को पकड़कर पूछताछ कर 18,60,000 रुपए कीमत का ट्रेलर बरामद कर लिया है। इस पूरी कार्यवाही में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट के एएसआई शमित मिश्रा, प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर बंजीर, आरक्षक रिंकू सोनी, रमेश पांडे, अमित दुबे, प्रदीप यादव, भावेश पटेल, विक्रांत कुमार एवं बंछोर के साथ पुरानी भिलाई थाने के स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग में शिक्षक संवर्ग संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के पांचवें दिन रैली निकाल संभागायुक्त कार्यालय का घेराव किया, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। दुर्ग में शिक्षक संवर्ग संघ के बैनर तले दुर्ग के मानस भवन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे शिक्षक संवर्ग संघ ने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को शहर में रैली निकाला, अपना आक्रोश जताया, साथ ही संभाग आयुक्त के कार्यालय का घेराव कर अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर शिक्षक संवर्ग संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार उनके नैतिक
अधिकारों का हनन कर रही है। इस दौरान शिक्षक संवर्ग संघ ने साफ कर दिया कि अब तक उनकी दो सूत्री डीए और गृह भाड़ा भत्ता की मांग पूर्ण नहीं होती है तब तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुम्हारी के ग्राम कुगदा मोड़ के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे आरोपी को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुम्हारी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुगदा मोड़ कुम्हारी के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी दिलीप बारले को पकड़ा, साथ ही प्लास्टिक की बोरी में रखे 32 पौवा देशी शराब को भी जब्त किया। कुम्हारी थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने बताया कि आरोपी पर धारा 34/2 आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। हमारे कुम्हारी क्षेत्र के ग्राम कुगदा में अवैध रूप से शराब बेचने की कई दिनों से सूचना मिल रही थी, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार घेराबंदी कर एक आदमी को अवैध रूप से शराब बेचते हुए कुगदा चौक पर पकड़ा गया, जिसका नाम दिलीप बारले पिता अंकुराम 42 वर्ष ग्राम कुगदा रहने वाला है, जो अवैध रूप से 32 पौवा मसाला दारू रख करके बिक्री कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। फिलहाल कार्रवाई में थाना प्रभारी पीडी चंद्रा सहित पेट्रोलिंग की टीम और थाने के स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। एफआईआर के 3 घंटे के अंदर चोरी करने वाले एक आरोपी को कुम्हारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शनिवार को कुम्हारी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रामनगर कुम्हारी निवासी धनेश साहू ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शुक्रवार की रात अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। शनिवार को सुबह दुकान में आकर देखा तो दुकान का ताला टूटा पड़ा था। अंदर जाकर देखने पर दुकान में रखा 25 चैनल मोटर गार्ड प्लेट एवं अन्य तकरीबन 20,000 का सामान गायब था। आर्थिक की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी गई। इसी दौरान दीवार पारा कुम्हारी निवासी डॉन दीवार को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं कुम्हारी थाना प्रभारी पीडी चंद्रा ने बताया कि आरोपी पर धारा 380 457 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 28/7/2022 की दरमियानी रात्रि हमारे कुम्हारी ने जो सबो मोटर बड़ी दुकान है वहाँ कुछ लोहे का स्क्रैप सामान कीमती लगभग 20,000 रुपये की चोरी हुई थी, जो एफआईआर के बाद में आरोपी को पता तलाश करते हुए मुखबिर जरिए मुखबिर पता चला कि एक आदमी जो है रात में अपने रिक्शा में रखकर कुछ लोहा को ले गया है, तो उसका पता करते करते जब पकड़े तो पकड़ा गया आदमी का नाम दान देवार पिता खिलावन देवार उम्र 50 साल कुम्हारी है, जिसको गिरफ्तार करके सामान के साथ गिरफ्तार किया। सामान को बरामद करते हुए उक्त आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बहरहाल इस पूरे कार्रवाई में कुम्हारी थाना प्रभारी सहित उनके पूरे टीम की सराहनीय भूमिका रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।